भगवान कल्कि के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे हैं। कलियुग और सतयुग के संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। कल्कि अवतार के बारे में आज तक आप लोगों ने सिर्फ यूट्यूबर्स या बाबाओं से ही सुना होगा, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे देश के प्रधानमंत्री भी अब कल्कि अवतार के आने की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की ये वीडियो। भगवान कल्कि के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने गहरा अध्ययन किया। भगवान कल्कि के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कल्कि पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। अब कल्पना करिए, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्य को लेकर इस तरह की अवधारणा लिखी गई, हजारों वर्ष बाद की घटनाओं के लिए भी सोचा गया। देख ली दोस्तों, अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये वीडियो। विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि, जिन्हें भारत के शास्त्रों ने, चाहे वह महाभारत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, या अन्य जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनका बात स्पष्ट करना कहना है कि कलयुग और सतयुग के संधि काल में, युगाब्द के अंत में भगवान कल्कि का अवतार अवश्य होगा। अब ये दोनों वीडियो के अंदर आपको ये बात स्पष्ट होगी होगी कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों ही अब कल्कि अवतार के आने का जिक्र कर रहे हैं। आज से पहले जब भी हम कल्कि अवतार की बात किया करते थे तो लोग इसे एक अनपढ़ता, मूर्खता कह देते थे या अंधविश्वास का नाम देकर लोगों को इससे हटाने का प्रयास किया करते थे, लेकिन अब देश के प्रमुख पदों पर स्थापित देश के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति भी कल्कि अवतार का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पुरातन धार्मिक ग्रंथों के अंदर इस अवतार का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन आखिर इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कि वो समय अब बहुत नजदीक है? कैसे आखिर योगी आदित्यनाथ इस बात पर पुष्टि कर सकते हैं कि कल्कि अवतार आने वाले हैं? इन सभी बातों का सबूत सहित आपको इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाले हैं, जिसके बाद आपको ये बात पता चल जाएगी कि आखिर कैसे ये लोग कह पा रहे हैं कि कल्कि अवतार अब आने वाले हैं, और आखिर कौन कौन सी वो निशानी हैं जो मिलना शुरू हो गई हैं, और क्या जो हमारे कई धार्मिक ग्रंथों के अंदर कल्कि अवतार के साथ साथ एक महान तबाही की बातें करी गई हैं, बहुत बड़े जनसंख्या के समूल विनाश की बातें करी गई हैं, तो क्या वो समय भी अब बहुत ज्यादा नजदीक है? क्या राम राज्य से पहले आने वाली तबाही भी अब नजदीक है? इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, और ना सिर्फ बात करेंगे बकायदा आपको सबूत सहित हम आपको पूरा वर्णन करके बताएंगे कि आखिर क्या सच्चाई है और क्या झूठ, क्योंकि कल्कि अवतार की इस कहानी के पीछे एक ऐसा झूठ भी छुपा है जो YouTube पर आपको भर भर कर परोसा जा रहा है, लेकिन आपके सामने सच होते हुए भी आप उसे पकड़ नहीं पा रहे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि ये सारे का सारा खेल साल 2024 के अंदर अंदर आपके सामने हकीकत की दृष्टि में प्रतांत हो जाएगा। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का, मेरा नाम है खुशदीप और आप देख रहे हैं KS Fact YouTube चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों के अंदर कहा गया था कि कलयुग के के अंदर आते आते भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, और तब वो कलयुग का अंत करके वापिस से एक बार सतयुग की शुरुआत करेंगे। ये कहानी तो आप लोगों ने काफी बार पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज एक नए कैरेक्टर को हम इसके अंदर आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दें, वो है ईश्वरीय अवतार। अब आप सोचेंगे कल्कि अवतार ही तो ईश्वरीय अवतार है? दरअसल दोस्तों, यही तो पूरी कहानी समझने वाली है। आपने काफी धर्म ग्रंथों के अंदर ये चीजें सुनी होगी कि कलयुग की उम्र 4,32,000
5000 साल है। लेकिन अभी विद्वान मानते हैं कि अभी तो मात्र 5000 साल ही बीते हैं। फिर आखिर कैसे लोग अभी ईश्वरीय अवतार के आने की आशंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं? दरअसल हमारे काफी धार्मिक ग्रंथों के अंदर एक समय का वर्णन देखने को मिलता है जिसके अंदर संधि काल का समय बताया गया है। वह माना गया है कलयुग के अंदर ही संधि काल का समय आएगा, वह उसके बाद कुछ सैकड़ों सालों तक कलयुग के अंदर ही सतयुग आएगा, वह उसके बाद वापस कलयुग आके वापस फिर सतयुग आएगा। यानी कि कलयुग एक बार कलयुग के अंदर ही पूरी तरह खत्म होकर 100, 200, 300 सालों के लिए सतयुग आ जाएगा, वापस फिर से एक बार कलयुग उसके बाद दोबारा आ जाएगा। लेकिन हर बार जब भी युग परिवर्तन होता है तब तब ईश्वरीय अवतार ही वो युग परिवर्तन कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए माना जाता है कि संधि काल के समय के अंदर भी ईश्वरीय अवतार इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, वह इस युग परिवर्तन का कारण बनेंगे। लेकिन दोस्तों कल्कि अवतार अब कौन से होंगे? क्या वो कलयुग के अंत में आएंगे या अभी जो अवतार हैं उनका नाम ही कल्कि अवतार है? तो दोस्तों इसको लेकर हम आपको बताएं कि अगर आप सोच रहे हैं कि जो भी ईश्वरीय अवतार आएंगे उनका नाम वास्तविकता में कल्कि होगा और वो जिस घोड़े पर विराजमान होकर आएंगे उनका नाम देवदत्त ही होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों ये एक सांकेतिक नाम ईश्वरीय शक्तियों को दिए जाते रहे हैं, वे अभी भी दिए जाते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि जब वो अवतार आएंगे तो लोग उन्हें कल्कि के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये हमारे पुरातन समय में दिए गए नाम है। लेकिन अगर हम इतिहास को एक दृष्टि में देखें तो आज तक जितने भी ईश्वरीय अवतार आए हैं उन सभी का जो भी नाम था वो उस समय अवधि के अनुसार ही वो नाम रखा गया, चाहे उनके बाकी अन्य कितने भी नाम हो, लेकिन मुख्य नाम उनका उसी समय अवधि के अनुसार रखा गया था जिस काल प्रांगण में उनका जन्म हुआ था। यानी कि चाहे ईश्वरीय अवतार अब आएंगे या जो बिल्कुल कलयुग के अंत में लाखों साल बाद आएंगे, दोनों का ही नाम उस समय के अनुसार जो लोगों का नाम होगा उसी के अनुसार रखा जाएगा। लेकिन एक कहानी और इसके साथ जुड़ जाती है। उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि कलयुग जिसको धीरे धीरे बढ़ना था वो अचानक से इतना ज्यादा प्रबल हो चुका है, वे अचानक से इतने ज्यादा पाप बढ़ चुके हैं कि जो प्रलय महाप्रलय पृथ्वी के अंत में आनी थी, कलयुग के अंत में आनी थी, उसकी समय अवधि अब इतनी ज्यादा घट चुकी है कि वो इसी समय अब आने वाली है। ऐसा चलते कई विद्वान अब यह भी मानते हैं कि शायद कल्कि अवतार नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर ही इसी युग के अंदर अब आ चुके हैं और वे इस युग का परिवर्तन करने वाले हैं। वे उससे पहले एक महान तबाही जो कि हर युग के अंत में आती ही आती है वो इस बार भी आएगी, लेकिन ईश्वरीय अवतार का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को इससे बचा लिया जाए। अब दोस्तों सभी विद्वानों की भविष्यवाणियों को हमने एक किताब के अंदर उनका निचोड़ निकाल कर लिखा जिसके लगभग 100 पेज बने। वे 2024-25-26 के अंदर कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होने वाली हैं वो सारी घटनाएं हमने उसके अंदर लिखी है। और हैरानी वाली बात यह है कि 2024 को लेकर हमने जितनी भविष्यवाणियां लिखी थी उनमें से जो जो भविष्यवाणियां शुरू के 2 महीनों में होनी थी वो सारी 100% सच्चाई की शक्ल में तब्दील भी हो चुकी है। अगर आप भी वो किताब पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप मात्र 299 रुपए में वो किताब खरीद कर पढ़ सकते हैं जो कि आप अपने मोबाइल से ही पढ़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आपको हम बताते हैं एक ऐसा रहस्य। दरअसल आज तक पहले हम जब भी कल के अवतार का वर्णन करते थे, जब भी हम युग परिवर्तन की बात करते थे, तो लोग इसे अनपढ़ता अंधविश्वास कह देते थे या लोग कहते थे कि यह तो पैसे कमाने का एक धंधा बना रखा है लोगों ने यूट्यूब के ऊपर। लेकिन अब क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसे एक धंधा खोला? क्या योगी आदित्यनाथ ने भी कल के अवतार के नाम पर धंधा खोला? आखिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी थी उन लोगों को? आपको एक बात और बताएं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री जी पब्लिकली स्टेज पर कोई भाषण देते हैं तो वो उसी समय अपने मन में आ रही बातों को नहीं बोलते, उससे पहले एक पूरी बहुत ही विख्यात जो ज्ञानवान लोग हैं उनकी टीम होती है, वो उनके लिए वो भाषण तैयार करती है कि किस किस बिंदु पर वो क्या क्या बात अपने भाषण के अंदर रखेंगे, फिर वही बातों को वो जो व्यक्ति होता है उन बातों को अपने मन के अनुसार वहां पर रखता है। यानी कि यह भाषण भी पहले बहुत ज्ञानवान लोगों द्वारा तैयार किया गया होगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंदर ऐसी बातें दर्ज करी गई हैं कि कलयुग के कल्कि अवतार आने वाले हैं, कल्कि राम राज्य आने वाला है, तो वो बातें हवा में बिल्कुल भी नहीं कही गई होंगी। इसके पीछे उन्हें पुष्ट जो बातें मिली होंगी, उन्हें पूरे अच्छे सबूत मिले होंगे, तभी वो बातों को उन्होंने पब्लिकली कहा है। आशा करता हूं कि आपको कुछ नया जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।